इधर ही रुको तुम, पूरी वीडियो एंड तक देखना, तुम लोगों को विश्वास नहीं होने वाला मैं किसको पकड़ के लाया हूं। ए इधर है, ये है कोरोना वायरस। क्या हंस क्या रहा है बे, तुम चुप करा रहे वहां पर, जूता उतार के मारूंगा समझा। यार ये कोरोना वायरस तेरे को नंगा करके रोल रोलर चला के तेरे को मार देगा समझा। रोलर का नाम मत ले समझा, कि जब मेरी माँ भागी थी ना उस लड़के का नाम रोलर था। और ऐसे क्या बात कर रहे हैं, अबे छोटे कोरोना वायरस हूँ मैं, बड़ा बीमारी हूँ, बड़ा बीमारी, बड़ा हरामी बीमारी है तू, ज्यादा उड़ मत तू, रुक तेरे को डे बाय डे का हिसाब पता चलता, सब लिख के आया। जब तूने 2020 में पहला कदम रखा था तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि तू कितना साल, पूरा साल मनुष्य जाने वाला है। साले तेरी वजह से हम लोगों को कितना नुकसान हुआ तुझे पता है, तेरी वजह से लोग मर गए, बिजनेस बंद हो गए, डॉक्टरों को परेशानी हुई, पुलिस वालों को परेशानी हुई, हम स्टूडेंट्स को तो ठीक है स्कूल बंद है, वेकेशन मिल गया हमको, लेकिन दूसरों का क्या, लॉकडाउन हो गया, घर पे बैठे रहे हम सब। मेरी वजह से घर पे ही बैठे थे ना, क्रीम केक बना रहे थे ना, उसका क्या, ताला क्रीम केक बनाने के लिए क्रीम को फाड़ते फाड़ते मेरा दिमाग फट गया। साले मेरी वजह से कुकिंग सीखा, 36 पकवानों का स्वाद लिया, उसका क्या। साले कुकिंग की तो बात ही मत कर, जब भी मैं किचन में जाता हूँ मम्मी बोलती है बर्तन क्या तेरा भाप धोएगा। साले कोरोना वायरस तो छोड़, हर दिन एक नया वायरस आ रहा है, लॉटरी के टिकटों की तरह वायरस से बांट रहे। अभी को वायरस आया था हंटा वायरस, अबे ओ हंटा वायरस, हंटा वायरस, साला चूहे काटेंगे तो ज़ॉम्बी बनेंगे हम। जो तू उड़ रहा है, तूने क्या अच्छा इतना उखाड़ लिया, हाँ बोल तो बोल क्या उखाड़ लिया तूने। और हाँ वो पापा का बिजनेस संभाला था उसका क्या, साला बिजनेस की तो बात ही मत कर तू समझा। साला जो पान मसाला 200 रुपए में बेच रहा था तब, साला लॉकडाउन जब से शुरू हुआ ना 300 रुपए में बेचा, साला 2 रुपए लाभ खाने को मिला, 2 रुपए में तो साला सुबह शाम को साला पाव भाजी खाने में ही निकल जाता है। साला क्या लाभ का बात करता है, बिजनेस का बात करता है, साला बात करता है बिजनेस का। साला एप्पल के फोन का प्राइस तक कम नहीं हुआ, साला फोन अलग 60,000 रुपए 60,000 अलग बेच रहे हैं। साला 2019 में क्या क्या सोचा था कि 2020 में चांद पे जाऊंगा मैं, लेकिन जा नहीं पाया मैं। हाँ वो भी है, कैसा जाता तू लॉकडाउन जो था, अबे लॉकडाउन नहीं भी होता तो कैसा जाता तू। अबे ओ वो तेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है पता है, और गूगल मैप है मेरे पास, मैं अपना रास्ता खुद निकालूंगा समझा। साले तेरी वजह से सिर्फ न्यूज चैनल वाले खुश है और कुछ नहीं। हाँ न्यूज चैनल से याद आया, टिकटॉक जो बैन करवाया वो क्या, इसलिए तो मैं अब तक तेरे साथ आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा हूँ ना, वरना जमीन पे गाड़ देता तेरे को। साले जब मैं मार्केट जाता हूँ तब साला एक लड़की को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो मुझे देख रही है, नहीं मेरे साइड में खड़ा हुआ लड़का को देख रही है, मैं उसको हाय देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वाह लड़की भाव दे रही है, हाय देता हूँ, जब वो मास्क खोलती है देखता हूँ कि कजिन है मेरी। बेटा एक बात याद रखना, कोई मरे या ना मरे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कोरोना वायरस हमेशा जिंदा रहेगा, जब तक लोग सुधर नहीं जाते तब तक ये कोरोना रहेगा। इसने बात तो एकदम सौने सच की बात कही है इसने, जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो ये तो बीमारी रहेगा ही सालों साल तक, लोग मरते रहेंगे, इसलिए हम इंसानों को ये सुधरना होगा, हम लोगों को समझना होगा कि कोरोना वायरस कितना डेंजरस हो सकता है। ना कोरोना खेल गया लास्ट में, चल दो यार छोड़ता हूँ। It's all about humanity.